हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू लाइफ मूवमेंट विद कुलदीप कुमार। आज हम लोग निकल पड़े हैं यहाँ से, चेन्नई से हम लोग निकल पड़े हैं कोयम्बतूर की ओर, और कोयम्बतूर से हम लोग जाने वाले हैं ऊटी। ऊटी में हम लोग देखेंगे आज टी फैक्ट्री, चॉकलेट फैक्ट्री और वहाँ के नज़ारे। तो बने रहिए चैनल में और देखते रहिए आज। चॉकलेट फैक्ट्री, तो आज ये दो चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। और जैसा आप लोगों ने अगर मेरा पहला वाला वीडियो देखा होगा, तो पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग मैं जल्दी ही इसमें टी फैक्ट्री का जो वीडियो है वो मैं इसमें डालूँगा, वो मैं इसमें अपलोड करूँगा, तो आज आप लोग देख सकते हो। तो हम लोग निकले हैं कोयम्बतूर से, और ऐसे छोटे छोटे गाँव हम लोगों को देखने को मिलेंगे, और जो पहाड़ हैं साउथ इंडिया के पहाड़ और नॉर्थ इंडिया के पहाड़ों में पूरा बहुत फ़र्क देखा मैंने। कि हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए टी फैक्ट्री, और टी फैक्ट्री में जाने से पहले अगर हम लोग देखें तो ये यहाँ पे एक ब्रिज है, उस ब्रिज को चढ़ना पड़ता है, और यहाँ पे जाने के लिए 20 रुपये का टिकट लेना पड़ता है। वो सुना है हम लोगों ने, अभी आगे जा कर के देखते हैं कि क्या होता है। तो इस प्रकार का नज़ारा यहाँ से देखने को मिलता है, पूरा का पूरा ऊटी का जो शहर है, ऊटी जो मार्केट है, बाज़ार है और नज़ारे हैं, वो यहाँ से बहुत अच्छे देखने को मिलता है। अगर आप लोग देखें तो एक बहुत बड़ी लाइन यहाँ पे लगी हुई थी, और कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स और कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स लोग यहाँ पे आए हुए थे देखने के लिए ये टी फैक्ट्री को। तो बहुत भीड़ है, आए देखते हैं कि टिकट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा अपने को, लेकिन अपने को जाना तो है, देखना तो है हम लोगों को कि क्या इस प्रकार जाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों का लोग देखने को मिला, और यहाँ पर बहुत सारा जो चाय है कि किस देश में कब चाय गई और वो लोग किस प्रकार से चाय का सेवन करते हैं, वो सारा वहाँ पे लिखित रूप में हम लोगों को दिखा कि किस किस प्रकार से होता है। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो टी का जो एक्सपोर्ट है वो किस प्रकार से किया जाता है और किस प्रकार से देश में होता है। तो हम लोगों ने देखा, मैं सोचता है कि ये हरी पत्तियों का करते क्या है, लेकिन ये हरी हरी पत्तियाँ ये लोग फूल के फिर लेकर के आते हैं और इसको उस मशीन में ये लोग डालते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा, अभी आगे आप लोग देखिएगा कि किस प्रकार से वो लोग उन पत्तियों को जला देते हैं। आज से हम लोगों ने टिकट लिया, टिकट जो है वो 20 रुपये का है, लेकिन आगे जाकर के एक बहुत खूबसूरत चीज़ है जो आप लोगों को देखने को मिलेगी। आप लोग बने रहिए वीडियो में, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये 20 रुपये हम लोगों ने किस तरीके से वसूल किए। ये 20 रुपये अच्छे तरीके से वसूल किए जा सकते हैं, और जो कि हम लोगों ने किया वो आगे आप लोग देखिएगा। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए। यहाँ से ये सारी पत्तियाँ आती हैं, और यहाँ पे ये पत्तियाँ जो हैं ग्राइंड होने के लिए चली जाती हैं, ग्राइंड होने के लिए यहाँ से जाती हैं, और पूरा रोल करता है, पूरा घूमता है ऊपर वाले से। ये 2 माले का बिल्डिंग है, तो ऊपर वाला जो मंजिल है उस मंजिल में इन लोगों ने ये बनाया हुआ है, और यहाँ से ये पत्तियाँ पूरी नीचे जाती हैं, और नीचे जाकर के जो ये पत्तियाँ हैं, ये पत्तियाँ इस रोल पर ये घिसते हुए और पूरा मतलब इन ये पत्तियाँ जो है पूरी क्रश की जाती हैं अच्छे तरीके से, और ये पूरा जो पत्तियों का जो पेस्ट है, पेस्ट इस पर बनता चला जाता है। अब पत्ते और चले जाते हुए और आगे जाने के बाद में ये यहाँ पे क्रश होने के बाद में जो ये बड़ा सा जो डिब्बा है, इस डिब्बे में वो जल जाती है। जल जाने का मतलब बोले तो लाइक उसको इतना उसको जला दिया जाता है कि वो पूरा जो ग्रीन कलर होता है वो पूरे काले रंग में बदल जाता है। और यहाँ से ये इस प्लेट पे जो ये रोल है, ये रोल पूरा चाय पत्ती को आगे
निकालता है, और इस प्रकार से क्या होता है कि धीरे धीरे करके ये आगे बढ़ते बढ़ते और ये पूरा इस इन सारे रोल होते हुए निकल जाता है और लास्ट में जो कि एक चाय पत्ती का प्रोसेस हो जाता है और बन जाता है। लेकिन आप लोग भूलिएगा मत, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि 20 रुपये का जो टिकट है उसको वसूल किया जा सकता है, तो वो किस प्रकार से हम वसूल कर सकते हैं वो आप लोग देखिएगा, आप बने रहिएगा वीडियो। अरे यार ये सब लोग चाय पी रहे हैं यहाँ पे और चाय कई लोग टेस्ट कर रहे हैं, आओ हम भी करेंगे, हम लोग भी देखेंगे। जो बात मैं पहले कह रहा था कि 20 रुपये को वसूल किया जा सकता है, तो वो 20 रुपये का जो है वो इस प्रकार से वसूल किया जा सकता है कि आप लोग चाय पी सकते हैं वहाँ पे, तो चाय जो है वो अनलिमिटेड, और चाय का टेस्ट ठीक है, चाय का टेस्ट ठीक है, चाय वसूल का जो चाय का जो टेस्ट है वो टेस्ट किया जा सकता है कि अलग अलग प्रकार से, और सभी लोग जो है वहाँ पर चाय का आनंद लेते हैं। तो अगर आप लोग जितने भी लोग हैं तो आप सब लोग चाय का आनंद ले सकते हैं। उसका हम निकल पड़े बाजार की और दिस विल बी कॉस्टली मैन बिकॉज ऑलवेज यू फाइंड हिल स्टेशन इज द